कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जी नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दें। और दिन की शुरुआत हो चुकी है और ये देखें आगे क्या क्या होता है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये इस लड़के ने कल ये हमारा ये तोड़ दिया, ये अब खड़ा ही नहीं हो रहा इसलिए हमने इसको जरा से लटाया हुआ है। शीशा तो नहीं टूटा लेकिन उसका जो बैक चीज़ है ना वो मतलब ख़राब हो चुकी है। ये लो जी कर लो बात। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हैं आपको? हाँ क्या बोल रहे हैं आपको, बताओ बताओ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हेलो सलाम लो, तुम बोलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो ये देखें जरा, ये चुचू इस टाइम खा रहा है वो बर्फ वाली, वो जो कुल्फी उधर से नहीं थी मिलती पाइप के अंदर वो वाली, तो देखिएगा खुशी से कैसे सर मारता है। तो जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना सर पीछे मारता है फिर सोफे पे। हाँ अब वो बता रहा है साथ में, जल जल्दी खाओ, जल जल्दी खाओ, खिलाना जरा उसे, खिलाओ थोड़ी सी, क्या करता है अभी, खिलाना खिलाना खिला। हाँ ऐसे 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 सर मारता है पीछे। हाँ जी, तो तकरीबन एक बज चुका है, यहाँ पे दो हो चुकी है, तो अब मैं बनाऊँगी तीन चार बना, फिर अब घूमी क्योंकि उस टाइम खाना बनाना होता है और दूसरी चीज़ें बनाने में टाइम नहीं मिलता। सो तीन चार मैं अभी बना के रहूँगी। दूसरा आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट रेसिपी, बाबा जी फूड वालों की, मैंने कल अभी फेसबुक में देखी, उस टाइम से मुझे इतनी वो क्रेविंग उस रेसिपी की लगी हुई है, मैं क्या बताऊँ। और मैं वो ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसी है वो डिश। चलिए जी देखते हैं, क्रीम चाट खाते हैं। अच्छा जी, तो ये क्रीम चाट के जो फ्रूट है उसमें बनाना, ग्रेप्स, ये आलू बुखारा है जो येलो कलर का, साथ में एप्पल था, अनार था, और ये मैंने वो सारे फ्रूट्स कट कर लिए हैं। नीचे दही और क्रीम थी, उसमें चीनी मिक्स थी, और वो साइड पर जो वाइट पाउडर को नज़र आ रहा है वो कोकोनट पाउडर है। और ये ऊपर से मैं चाट मसाला ऐड करूँगी और फिर मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ये मेरा क्रीम चाट रेडी हो जाएगा खाने के लिए, मज़ेदार सा क्रीम चाट। चिकन एक फुल ले आई थी, ठीक है, अब मैं इसको कटिंग करूँगी और मैं खुद ही काट करूँगी मैंने इधर आगे भी सीख लिया हुआ है। सो मैं इसके बड़े बड़े पीस काटती हूँ, मैं दिखाती हूँ बल्कि। ओके देखें चिकन के ये मैंने पीस कर लिए हैं बड़े बड़े कट, और ये देखें जी ये मैंने इनको कट भी लगा लिए हैं। तो जी अब हम ये पीसेस को लेंगे। सो इसमें मैं डालूँगी, ये बाबा जी फूड वाले उनकी रेसिपी है, ठीक है, पहले तो मैं किसी और तरह बनाती हूँ, मैं उनकी टोटली रेसिपी ट्राई करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी सिरका जी, ये वाला सिरका मैं ऐड करूँगी नेचुरल विनीगर फुल, ठीक है, ये ऐड करेंगे इसके अंदर। उसने बोला था कि अच्छी तरह से आपने इसको उसके अंदर इस तरह से डिप रहेगा, ये इसका फ़ायदा ये होगा, उसने बताया था कि जो ब्लड वगैरह होता है वो नहीं बाहर निकलता। सिरका डालूँगी, मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी जी, तो मैं करूँगी थोड़ा सा नमक ऐड, तो मैं इसको अच्छी तरह से करूँगी मिक्स जी। अब इसको हमने कर लिया मिक्स, अब हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। इसका मैं कवर ऊपर देती हूँ, मैं रख देती हूँ फ्रिज में। मैं आपको अपने इसी से कभी विजिट करवाऊँगी क्या क्या मैंने रखा हुआ है इसमें। कि चिकन बचा इसमें से कुछ, वो जो पीस हैं वो मैं वॉश करके रख लूँगी, उन्हें बाद में यूज़ कर सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, किसी और तरह यूज़ कर सकते हैं। सो इनको वॉश करके मैं रख लूँगी, दैन धोने लगूँगी। हाँ जी, तो बर्तन धो लिए हैं, सो बच चुके हैं दोपहर के तीन। सो आगे मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, सो अब मैं इनको करूँगी ड्राई। मैं आपको अपने मज़े की देता हूँ, पता है यहाँ पे मेरे इधर मिरर के आगे ये वाला दूसरा वो रैक पड़ा होता था जिसके अंदर मैंने चीज़ें रखी होती। मैंने पता क्या किया, मैंने ये आइडिया देखा था पिंटरेस्ट से, ये लकड़ी वाले दो ट्रे लेके ना, वुडन दो ट्रेस लेके, तो इनको लकड़ी वाले वो जो स्पैचुला होते हैं उनके साथ मैंने दोनों साइड से कर लिया अटैच। सो मैंने ये बना लिया लकड़ी का, देखिए सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। देखें आधा घंटा हो गया था, सो ये मैंने बाहर निकाल लिया और ऑयल में गर्म कर लिया, मैं इसको करूँगी ऑयल में हल्का सा ब्राउन। हाँ जी, ऑयल तो हमारा गर्म हो चुका है, सो हमें डालेंगे चिकन के बस इसको मतलब लाइट लाइट ब्राउन करना है दोनों साइड से, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, जब तक मेरा चिकन ब्राउन हो रहा है मैं उसकी बना लेती हूँ ये बैटर। तो ये बैटर के लिए हम लेंगे दही ले लिया दो चम्मच, तो इसमें हम डालेंगे नमक जितना आपको चाहिए, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी अब टिक्का मसाला, टिक्का बोटी मसाला, जितना आपको चाहिए उतना डाल लें। जब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, अभी मैं हैंड से मिक्स नहीं करूँगी इस टाइम क्योंकि मेरा हाथ बहुत गर्म है, मैं भी स्पेशल मैं मिक्स कर लूँ। मैं इसमें ताज़ा मिर्च भी ऐड कर लूँगी, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये ज़रदा रंग भी ऐड कर लूँगी, ताकि वो जो कलर आता है ना वो वाला कलर इसमें आएगा।
आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं इसको हैंड से मिक्स करूँगी क्योंकि चम्मच से बिल्कुल ठीक मिक्स होगा। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ, मैं इसको रखूँगी फाइल के अंदर। यह देखें, नीचे मैंने ये सुराख कर ली है ताकि जिस जगह मैं ये चिकन को रखूँ, चिकन के पीसीस को रखूँ, उस जगह पे सुराख हूँ ताकि जो पानी बनेगा भाप से वो नीचे ड्रिप कर जाए, वो इसके बीच ना रहे। और ये देखें, ये अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो चुका है। मैं इनको रखूँगी इधर फॉइल पे, फॉइल के ऊपर रख चुकी हूँ। अब मैं इसको ऊपर से इस तरह कर लूँगी फोल्ड। मैं इसको ओवन के अंदर रख चुकी हूँ इस तरह से, नीचे वो ड्रिप होकर जाएगा। आज बना रही हूँ चुच्चू के ये नगेट्स और साथ में चिप्स। अच्छा, तो फिर मुझे बीच में टाइम नहीं था बिला बिल्कुल भी वीडियो बनाने का। और ये देखें, मेरा चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुका था। ये देखें इसकी लुक कितनी टेस्टी है। और वाकई थोड़ा सा पहले से डिफरेंट बना था जैसे मैं आगे बनाती हूँ। और ये साथ में मैंने चावल बनाए थे, वो हल्का सा तड़के वाले, मतलब चाइनीज़ टाइप कुछ बनाए थे। और ये देखें मेरे नमूने को, तारे खें तारे, तब पूरा दिन इतना ये तंग करता है, मैं क्या बताऊँ। चलें जी, रात के 9 बज चुके हैं, सो मैं ब्लॉग को करते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और हम रातों में मतलब रात के 9 बजे हैं, तो आप उतना जल्दी से उठा रखें। सो अभी हम सोते हैं और उस वजह से उठे कि सैरी करता है नमाज शमाज पढ़ के। और फिर जो मैं भी बोलता है, चैनल को सब्सक्राइब करते, बाकी मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दे। और सबको मेरे साथ टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।